अब इसके क्वेश्चंस करने के लिए जो हम यहाँ पे रेट की जगह कुछ भी रख सकते हैं। मैंने कल क्वेश्चन में किया था कि कितना कितना वॉल्यूम किसी गैस का डिफ्यूज हो रहा है 1 मिनट में, ना वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम, ठीक है, वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम, रेट की जगह हमने वो रख दिया था। समझ में आ गया था वो क्वेश्चन आपको? ठीक है, एक बार फिर से करते हैं ऐसा एक क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ इफ 10 ml ऑफ SO2 गैस डिफ्यूज आउट ऑफ अ वेसल इन 1 मिनट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस। ठीक है, पर उसको सॉल्व, SO2 का मोलर मास निकालो, CH4 का निकालो, करो।
अच्छा आंसर आया सर 20 मिनट और पार्थ आंसर आया सहन सांझ बहुत आसान है उसमें सबका आंसर आना चाहिए ठीक है क्या करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 ठीक है इज इक्वल टू है ना तो मोलर मास ऊपर नीचे कर देंगे SO2 नीचे तो उसका मोलर मास ऊपर 64 CH4 ऊपर है उसका मास नीचे आ जाएगा इनवर्स रिलेशन इस तरह से यूज करते हैं 64 आसान सा डेटा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 आ गया 2:1 ठीक है बच्चों बहुत सिंपल है मीथेन कितना डिफ्यूज होगा एक मिनट में एक्स मान लिया मैंने एक्स इन वन मिनट SO2 कितना हो रहा है 10 हो रहा है एक मिनट में बस सीधे आंसर आ गया 20 ml पर मिनट इन वन मिनट आसानी है बताओ है ना इतना टाइम लगना ही चाहिए बच्चों ठीक है सबका आंसर आना चाहिए भाई बहुत आसान है ना तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे छोटे छोटे सवाल के हल्के से रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर ऑलराइट ये करो एक बार नाइन्थ क्वेश्चन सब लोग नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9 सर हाँ जी सर 12.25 5 मास
सर 12.25 आ गया सांझ भी है। यस सर। ओके वेरी गुड। सिर्फ नाइन्थ वाला करना था ना? हाँ नाइन्थ वाला ही करना था। ओके सर। सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है बच्चों, एक में ए में 20 सेकंड्स में और ए बी में 10 सेकंड्स में सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है। ए का मोलर मास है 49, बी का निकालना है आपको। बच्चों मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको कराने वाला हूँ, सब में आपको अब एक ही चीज करनी है। क्या करना है सब में आपको? रेट ऑफ डिफ्यूजन की जगह कुछ ऐसे रखना है ना, जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मोलर मास का रेशियो। इसमें आपको ए का मास दे रखा था शायद और बी का निकालना था, क्या था? एक सेकंड चेक करो। ए का दे रखा था। हाँ ए का 49 था और बी का आपको फाइंड करना था, ठीक है? तो उल्टा रेशियो जाता है, ए का रेट ऊपर है तो ए का मास नीचे, मोलर मास ऑफ बी आपको फाइंड करना है, ठीक है? रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन टाइम। सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है ए में 20 सेकंड्स में, तो एक्स एम एल बाय 20 वॉल्यूम बाय टाइम, ये हो गया रेट। रेट मतलब स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, वॉल्यूम बाय टाइम, कुछ भी बाय टाइम, दैट इज स्पीड। बी के लिए सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है बच्चों 10 सेकंड में, समझ में आ रहा है सबको? सीधे रिलेशन आएगा और बस उसको फिर सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10 बाय 20 यानी कि 1 बाय 2 अंडर रूट एम बी बाय 49। ठीक है सबको समझ आ रहा है? यहाँ पे रेट की जगह मैंने रखा वॉल्यूम। यस सर। रेट डिफ्यूजेस वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम। ठीक है स्वास्ति, एनी डाउट? नो सर। इस तरह से हम करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व। mb by 49 is equal to square कर दिया 4mb आ गया 49 by 4 12.25 atomic mass unit। और देखो बच्चों करो इसको बिल्कुल सेम तरीके से। O2 का मोलर मास 32, H2 का मोलर मास 2।
आ गया बच्चों आंसर? है सर 640 मिलीलीटर। 640? अच्छा इतना ज्यादा? हाँ ठीक है, ज्यादा ही आएगा। सांश? 640 आ रहा है। स्वास्ति? आर्थ? वीर? सबका आ गया आंसर? सबका आना चाहिए भाई, बहुत आसान है यार, है ना? बहुत ही आसान है। क्या था मैंने? रेट ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोल मास ऊपर, हाइड्रोजन का नीचे। 2 मिनट का खेल है। 4 टाइम्स आ गया। रेट ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या लिख देंगे? वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में कितना डिफ्यूज हो रहा है? और नीचे क्या रख देंगे ऑक्सीजन की जगह? 100 ml डिफ्यूज हो रहा है 25 सेकेंड में। तो रेट यानी कि स्पीड हो गया वॉल्यूम अपॉन टाइम इक्वल टू 4। सिंपल बच्चों। हाँ तो आ जाएगा 640 ml। सिंपल ऐसे करते हैं यार, इसमें समझ में आ गया सबको? ग्राम फ्लो ऑफ डिफ्यूजन कितना डिफ्यूज होगा वो निकालना होता है। इसमें एक दो क्वेश्चन और लास्ट बस। एक पाइप में एक एक साइड से हमने हाइड्रोजन फेंक के मारी और एक साइड से ऑक्सीजन, है ना? एक साइड से हाइड्रोजन लीक कराई, एक साइड से ऑक्सीजन मूव कराई। कहाँ पे जाके इनका मिलन होगा? कहाँ पे जाके ये मीट करेंगी? मीटिंग पॉइंट इनका ऑब्वियसली बच्चों सेम टाइम पे, हमने जब साइमल्टेनियसली रिलीज किया दोनों गैस को तो सेम टाइम में ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्यादा मूव कर पाएगी। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अंडरस्टूड एवरीवन? सेम टाइम में हाइड्रोजन कितना चला एक्स और ऑक्सीजन कितना चला ये डिस्टेंस। समझ में आ रहा है सबको? ये भी रेट ऑफ डिफ्यूजन से आप निकाल सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये पूरा जो ट्यूब है, ये रास्ता है, ये 1 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 1 मीटर लंबा, ठीक। इफ H2 एंड O2 आर रिलीज्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स, ऐसे स्टाइलिश सा क्वेश्चन बन गया है ना, फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स फाइंड फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम H2 हाइड्रोजन एंड वेयर दे मीट। करो ट्राई, एक बार सोचो। बिल्कुल वही सेम लॉजिक लगाना है। इस बार रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम।
सर जी सर 0.8 मीटर यस सर 0.8 वेरी गुड ठीक है यही है सांझ आंसर यस सर 0.8 ओके ठीक है शुभ समझ आ रहा है सबको क्या होता है ग्राम स्लॉट डिफ्यूजन तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं यार केमिस्ट्री में तो जितनी देर में एक एक्स चलेगा दूसरा उतनी देर में वन माइनस एक्स चलेगा है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन वही 4:1 आएगा मासेस रख के सीधा सीधा रिलेशन है ठीक है तो रेट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लिख देंगे एक्स बाय टी टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम उतने ही टाइम में सेम टी में एच ओ टू कितना चल रहा है बच्चों 1 - x टी से टी कट गया सेम टाइम में बस यहां से मजे में सॉल्व हो जाएगा ये x is equal to 4 - 4x 5x is equal to 4x is equal to 0.8 meter understood everyone so this is Graham's law of diffusion okay कुछ ये सारे लॉज हो गए जो मेरे को आपको है ना बताने थे गैसेस स्टेट में स्पेशली और मैंने बताया दिया था आपको रियल गैसेस तो अभी हम यहाँ पे टेंथ में तो नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा रियल गैसेस समझना सर रियल गैस का इक्वेशन समझा दो एक बार इक्वेशन समझा एक सेकंड अभी मैं लिख देता हूँ बता देता हूँ होता क्या है समझाना थोड़ा सा कोशिश करते हैं एक मिनट दो क्वेश्चन करते हैं ठीक है डाल्टन्स लॉ का है क्वेश्चन 6
सर 1.6 ATM. सेकंड ऑप्शन 1.6 ATM. वेरी गुड. कुल मास ऑफ H2HCl CH4. ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि एक मास से मोल्स में चले जाते हैं H2HCl CH4. ठीक है, जो इक्वल मास 1:1:1 मास रेशियो मोल्स निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर देंगे. सिंपल, ऐसे आपको स्पीड बढ़ानी है. सीधे सीधे स्टेप्स हैं, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया मोल रेशियो निकालने के लिए. ये मास रेशियो, ये मोल्स रेशियो, 16 से मल्टीप्लाई मारा, 8:4:1 आ गया मोल रेशियो, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 8/13, 8+4+1, 8/8+4+1. हाइड्रोजन का ही निकालना था. यस सर. ओके, 8/13 आ गया उसका में. और टोटल प्रेशर कितना रखा है 2.6. बढ़िया है. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, किसी ने किसी को कोई डाउट पूछो. स्वास्थ्य शायद क्लास मिस की थी आपने, एक बार नोट्स वो देखे ना रिकॉर्ड लेक्चर, और कुछ डाउट आए तो वही पूछिए ना. मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. क्लियर है जो? ओके, वेरी गुड. और एक ये क्वेश्चन करो, एक बार फोर्थ क्वेश्चन. लेट्स गो. फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर. अच्छा क्वेश्चन है, उसमें वही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वो लगाना है ध्यान से. तो 200 केल्विन. अरे वाह, आंसर आ गया. वेरी गुड सांच, वेरी गुड, सही लग रहा है. सर आप लास्ट क्लास का पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं. वो ना वो मिसप्लेस हो गया शायद मुझसे ना सांच, तो शायद आपको उसके लेक्चर से नोट्स उतारने पड़ेंगे, क्योंकि वो मैं देख रहा था बट शायद मैंने सेंड नहीं किया और वो मिसप्लेस हो गया है ना. तो एक बार रिकॉर्ड लेक्चर से नोट कर लेना प्लीज, है ना. ओके,
तो इसमें जो प्रेशर को इक्वल करना है ना, तो एन आर टी बाय वी, वॉल्यूम भी सेम होगा, ठीक है, वॉल्यूम भी सेम होगा ना, हाँ वॉल्यूम भी सेम होगा, सेम बल्ब है, ठीक है, तो सिर्फ क्या बचा फिर इसमें, तो एन वन टी वन बचा यार बस, अरे बहुत सिंपल हो गया, तो एन वन टी वन इक्वल टू एन टू टी टू ये लगा देंगे, समझ में आ रही बात सबको। तो आपको बस ये देखना होता है कि क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, ऑल राइट, तो आर में पी वी बाय एन टी कॉन्स्टेंट होता है, अब इसमें वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है क्योंकि सेम बल्ब है, प्रेशर सेम करना ही अपने को, हमने एन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करना है, अंडरस्टूड एवरीवन, एन वन टी वन इक्वल टू एन टू टी टू, बस आपको ये रिलेशन लिखना है कि क्या रिलेशन आया है, एन वन टी वन इक्वल टू एन टू टी टू, बात सुना रहे बच्चों, ठीक है। 4 ग्राम आर्गन है और आर्गन का मोलर मास भी आपको दे रखा है कितना, 40 मोल्स आ गए 4/40 फर्स्ट केस में, फिर उसने 0.8 ग्राम रिलीज कर दी, निकालना पड़ गया 0.8 ग्राम आर्गन रिमूव करना पड़ गया, तो बचा कितना 3.2, अंडरस्टूड, पहला टेम्परेचर टी हमें निकालना है और दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस मोर, 50 डिग्री सेल्सियस मोर देन दी फर्स्ट वन, सॉरी सर 320 नहीं लेंगे, 320 केल्विन बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखना जायद, है ना, टेम्परेचर का चेंज डेल्टा टी सेम, डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन सेम होता है यार, है ना, तेरा 273 डिग्री है ना, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है जायद, 273 केल्विन होता है नहीं होता, यस सर, और 1 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 274, चेंज कितना गया दोनों में, 1 का चेंज, में कभी भी डिग्री सेल्सियस में जो चेंज है वो डिग्री केल्विन में, बहुत बेसिक सी बात है ना, ऐसी गलतियां आपको कभी नहीं करनी जिंदगी में, ठीक है, तो 50 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया मतलब 50 केल्विन से इंक्रीज किया, समझ में आ गई बात, ठीक है, शायद ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए, यस, डेल्टा टी सेम। तो ये क्या क्या बच गया, अच्छा 3.2 × 50, हाँ 200 केल्विन आंसर आ गया, सिंपल बच्चों, इजी सी कैलकुलेशन से, ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन वाला पढ़ा हुआ है इसमें देख लेता हूँ, बाकी हो गए काफी क्वेश्चन आप लोग इसमें, गैस लॉ पे आपको काफी आ गया करना टाइम पास, एक बार ये कर लो 13th, थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रैक्टिस रहेगी, 13th क्वेश्चन 1-3, गंदी कैलकुलेशन नहीं लेकिन 12th कर लो यार, 13th थोड़ी ज्यादा गंदी कैलकुलेशन से 12th कर,
हाँ जी आ गया आंसर। वो क्या निकाला तूने, फोर फाइनल निकाला है, हाउ मच ऑक्सीजन लीक्स आउट है ना, कितना लीक कर गया वो निकाला, तो टू या फोर में से ऐसा कुछ होगा ना, चेक कर लिया तूने कितना लीक कर गया वो बताना है, कितना बचा है वो नहीं बताना ना। आई होप सही क्या होगा, चेक कर आंसर याद तो नहीं। हाँ जो हो गया, तो 6 ग्राम ऑक्सीजन है ना, क्या क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, बस ये सोचना होता है यार आपको, है ना कि वॉल्यूम सेम वेसल है तो वॉल्यूम अनचेंज्ड है। ऑलराइट, तो प्रेशर, मोल्स और टेम्परेचर, तीन चीजें चेंज हो रही हैं इसमें बस। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे काफी कर लिए, अब सभी का आंसर आना चाहिए। कैसे करना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्या क्या तीन चीजें चेंज हो रही है, प्रेशर, टेम्परेचर और मोल्स, क्या रिलेशन बन जाएगा, P by NT is equal to constant. जो चीजें चेंज हो रही हैं उनको उठा लो, उनसे रिलेशन बना दो। क्लियर है बच्चों? ओके, तो प्रेशर इनिशियल P है, फाइनल प्रेशर है P by 2, इधर मोल्स निकालेंगे 6 ग्राम बाय मोलर मास, 6 ग्राम था, फिर कुछ लीक करके लेट से x बचा, रिमेनिंग निकाल रहा हूं मैं, है ना भाई। टेम्परेचर पहले था 400 केल्विन, बाद में कितना हो गया 300 शायद, यही है, एक बार चेक कर लेते हैं डेटा, 400 से हाँ 300 हो गया, और प्रेशर P by 2 हो गया, ठीक है। बहुत तेजी में आंसर आते हैं यार ये सब, है ना, आप लोगों को एकदम मजे में होना चाहिए सॉल्व, तभी मजा आएगा ऐसे तो, है ना। तो ये एक्स की वैल्यू शायद 4 ग्राम आएगी यहाँ से, मतलब 4 ग्राम बचा रिमेनिंग, अंडरस्टूड एवरीवन। तो लीक कितना हो गया, 2 ग्राम, ओ टू लीक 2 ग्राम, सबको समझ आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, जाहिर मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा था, हाँ कभी वो मैं समझ गया था, मैं x 4 निकाल दिया था, तो ठीक है कबीर, हमें निकालना था कितना लीक हो गया, ठीक है, साइन समझ आ गया, कोई डाउट? यस सर, आ गया।
इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। ओके ठीक है, तो काफी आप लोगों को गैस लॉज क्लियर हो जाने चाहिए, गैस स्टेट चैप्टर आपका है। बस अब मैं थोड़ा सा वो जायद के कहने पे रियल गैस डिस्कस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको? नेक्स्ट चैप्टर फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, आज गैस स्टेट आपका खत्म। अब मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ? आई वाज थिंकिंग कि हम वही बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्डिंग आपका आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड शायद 9th 10th के सिलेबस में भी थोड़ा बहुत बेसिक, और फिर हम वो 11th के लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, बॉन्डिंग में क्लियर है एवरीवन? केमिकल बॉन्डिंग। तो जो ये थी आइडियल गैस है ना, PV is equal to nRT। ठीक है, आइडियल गैस में बहुत सारे assumptions होते हैं। क्या assumptions होते हैं? कि assumptions पढ़ोगे आप बहुत सारे, कि आपस में इनमें अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, एक बंदा जा रहा है टक्कर मारने दीवार पे, सिर दे के मारने जा रहा दीवार पे, और दूसरा उसे रोक भी नहीं रहा, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है इनमें। तो ये आइडियल गैस के assumption होते हैं, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, है ना, बिल्कुल रोबोट की तरह घूम रहे इधर उधर टक्करे मार रहे, कोई दोस्ती यारी नहीं इनमें। ठीक है, ये assumption होता है। एक assumption होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का जो साइज है वो नेग्लिजिबल है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के हिसाब से के अगेंस्ट। हम सारा का सारा वॉल्यूम किसका मान लेते हैं यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो उनका जो वेसल है उसका वॉल्यूम पूरा का पूरा अज्यूम कर लेते हैं, वही यहाँ पे उठा के रख देते हैं। एक्चुअली में ये सही नहीं है, क्योंकि है ना भाई, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स भी खुद कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो पूरा पूरा वॉल्यूम तो घूमने फिरने के लिए अवेलेबल है नहीं। ठीक है, पूरा वॉल्यूम तो फ्री नहीं है घूमने फिरने के लिए। तो ये सब कुछ चेंजेस करके फिर हम ना रियल गैस इक्वेशन बनाते हैं। रियल गैस इक्वेशन में हम कुछ चेंजेस कर देते हैं प्रेशर और वॉल्यूम टर्म में, और ये खतरनाक सी इक्वेशन बन जाती है, वंडरवॉल इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो वंडरवॉल ने क्या किया कि भाई PV is equal to nRT को ही यूज करेंगे हम विद सम चेंजेस, है ना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से कुछ माइनस कर देंगे। समझ में आ रही बात हो? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से कुछ माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरा वॉल्यूम तो फ्री है नहीं। ठीक है, जायद समझ में आया? यस। ए और बी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वंडरवॉल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो ये सब आप 11th में पढ़ोगे। बी ऑब्वियसली हमें साइज, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। जितना मॉलिक्यूल का गैस, जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा बच्चों, उतना माइनस हम ज्यादा करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? है ना, उतना ही हमें ज्यादा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये अट्रैक्शन, आपस में अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो प्रेशर कम एग्जर्ट होगा, है ना। एक सिर पे दीवार पे सिर मारने जा रहा है, दूसरा उसको रोकेगा कि भाई इतनी जोर से मत जा, इतनी स्पीड से मत जा, चोट लग जाएगी। अट्रैक्शन है, दोस्ती यारी रोकेगा, अट्रैक्ट करेगा उसको। समझ में आ रही बात? अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा बच्चों, प्रेशर कम एग्जर्ट होगा। एक्चुअल में जितना होना चाहिए था उससे क्या होगा, कम प्रेशर एग्जर्ट होगा। ठीक है, तो उसमें हम फिर कुछ ऐड कर देंगे, जो ये मेजर्ड प्रेशर आता है, कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, मेजर जितना हो रहा है। ठीक है, उससे एक्चुअली में ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर सकती है गैसेस, क्योंकि वो अट्रैक्शन की वजह से नहीं कर पा रही। किसकी वजह से नहीं कर पा रही? अट्रैक्शन की वजह से। तो आइडियल सिचुएशन में प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करती जब अट्रैक्शन इनमें ना होता। बताओ, समझ में आया सबको? जायद समझ में आई? यस। ठीक, तो ये थोड़ी सी खतरनाक चीज है रियल गैस इक्वेशन, और बहुत लॉजिकल चीजें है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा भी है ना, 11th में ज्यादा इजी है समझना आप लोगों के लिए। ठीक है, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि जो मेजर प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर गैस थोड़ा सा कम एग्जर्ट कर पा रही है, अपना पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, आपस में एक दूसरे अट्रैक्शन है, इमोशंस आ गए, इमोशंस अटैच हो गए, इमोशंस से एक दूसरे से अटैच हो गए, वरना और ज्यादा जोर से जाके दीवार पे सिर दे के मारते और ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते, इसलिए कुछ करेक्शन टर्म हमने ऐड कर दिया उसमें। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से करेक्शन टर्म हमने माइनस कर दिया, क्योंकि एक्चुअलिटी में फिर वो वॉल्यूम जो है वो कम, घूमने फिरने के लिए कम अवेलेबल हो। इस तरह से कुछ रियल गैस इक्वेशन या वंडरवॉल इक्वेशन बनाई गई।
ठीक है जो, तो ये है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन जिसमें बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन सिर्फ ये, सिर्फ हमें ये बताता है, ये आइडिया देता है कि भाई प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, है ना, क्या चेंज करने से क्या चेंज होगा, उसके लिए बढ़िया एकदम आइडियल गैस इक्वेशन तगड़ी। ये प्रेशर डबल कर देंगे तो वॉल्यूम लगभग आधा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये है, और बताओ किसी को डाउट इस चैप्टर में बचा है तो? सारे लॉज समझ आ गए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ, फिर पढ़ा हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये सारे हमारे गैस लॉज, आइडियल गैस लॉज या सॉरी एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज जो जिनको बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके जो अचीव किए हैं। हाँ ये मिल गया, एट्थ क्वेश्चन और कर लो बस, लास्ट एट्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन एट, हाँ जी यूसुफ आ रहा है,
हाँ जी हो गया। बताओ जो आंसर आ गया। P कुछ भी नहीं है, सिर्फ P और T ना, क्या रिलेशन होगा P और T में? P1 by T1 equal to P2 by T2। प्रेशर और टेम्परेचर बस दो चीजें चेंज कर रहे हैं। P1 by T1 equal to P2 by T2, वेरी इजी। ठीक है, और जाहिर इसमें 1 डिग्री से बढ़ाया है। ठीक है, तो एक बार T है और एक बार कितना है T+1 है ना, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, शायद T केल्विन से बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। एक में प्रेशर 100 ले लो, एक में 100.4 ले लो, 0.4% का इंक्रीज हुआ है भाई। आपको सिखाया है कि 100 ले लो जब परसेंटेज में है तो, तो इनिशियल प्रेशर ले लिया हमने 100, फाइनल हो गया 100.4, क्योंकि 0.4 से 0.4% से इंक्रीज हो गया। ये सिंपल सी इक्वेशन बनेंगी यार, कोई दिक्कत। 100T + 100 = 100.4T, 0.4T = 200, एक लाइन में आंसर आ गया, 250 केल्विन आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। यस सर, मेरा भी 250 आया। ओके केल्विन, हाँ ठीक है। यस सर केल्विन। ठीक है, तो समझ में आ गई। ठीक है, बहुत आसान है यार आपको बस। सर इधर आंसर केल्विन में दे रखा, फिर हमने सेल्सियस में क्यों ऐड किया? सर मैंने क्या बोला तेरे को, चाहे डिग्री सेल्सियस हो चाहे डिग्री केल्विन हो, पहली बात तो सेम चीज ऐड होगी। और हम रिलेशन में केल्विन में रखते हैं, किस में रखते हैं? केल्विन, केल्विन में ही रखते हैं ना इस रिलेशन में हमेशा हम। यस सर। तो बस फिर मैंने तो केल्विन में रखा, ऐड तो चाहे 1 डिग्री करूं चाहे 1 डिग्री केल्विन करूं, एक ही बात है। तो मैंने टीम केल्विन ही लूंगा ना मैं यहाँ पे, तो आंसर भी केल्विन में ही आएगा ना। यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? नॉट इन डिग्री सेल्सियस, इस रिलेशन में हमेशा हम केल्विन में टेम्परेचर रखते हैं ऑलवेज। सर मैंने पहले केल्विन में रख दिया था 1 की जगह 245, सर मेरा जहरीला सा नंबर आ गया था फिर। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तेरे को, कभी गलती नहीं करनी है इस चैप्टर में। हमेशा कोई भी फॉर्मूला हो, हमेशा हमने टेम्परेचर केल्विन में रखना होता है, नॉट इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस की कोई औकात नहीं है, टेम्परेचर इन केल्विन को ही बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके, तो ये आपका हो गया कुछ चैप्टर अच्छे से गैसेस स्टेट। अब आप उसमें करो क्वेश्चन जहाँ से भी आपको मिलते हैं, है ना। और हम नेक्स्ट क्लास से फिर स्टार्ट करेंगे बॉन्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th 12th क्लास का भी और अभी के लिए भी आपको बॉन्डिंग केमिस्ट्री के लिए। ओके चलो सर, नेक्स्ट वीकेंड क्लास नहीं है सर। क्या नहीं है सर? सर सबका एग्जाम है। अच्छा, तो वैभव सर ने बोला कि नेक्स्ट वीकेंड क्लास नहीं, कैंसिल कर देंगे। ओके ओके, स्कूल के एग्जाम स्टार्ट हो गए। यस सर। ओके, कौन से स्कूल में आप सब लोग? सर मैं एमिटी में हूँ। सर डीवी सेक्टर 45। सर एमिटी। ओके चलो ठीक है, चले बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। ठीक है, बाय। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू।